बैतूल में कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर पवित्र नदी ताप्ती में चुनरी चढ़ाने के लिए बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा ने ताप्ती चुनरी पदयात्रा निकाली। 117 मीटर लंबे चुनरी हाथों में लेकर श्रद्धालु निकले और 23 किलोमीटर की पदयात्रा कर मां ताप्ती नदी में चुनरी चढ़ाई जाएगी। गुजरात की लाइफलाइन कही जाने वाली ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल में है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्यपुत्री मां ताप्ती नदी में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कार्तिक पूर्णिमा पर्व को लेकर बैतूल में कांग्रेस विधायक निलय डागा हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर मां ताप्ती को चुनरी चढ़ाने के लिए पदयात्रा निकालते हैं। 2017 से शुरू हुई यात्रा में पहले साल 111 मीटर की चुनरी थी और इस साल पदयात्रा का छठवां साल है। इस साल 117 मीटर की लंबी चुनरी मां ताप्ती को चढ़ाई जाएगी। बताया जाता है कि हर साल चुनरी के साइज 1 मीटर बढ़ाई जाती है। बैतूल शहर के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई ताप्ती चुनरी पदयात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। कब से शुरुआत हुई थी ये छठवां साल है। 2017 से ताप्ती में ताप्ती जी की चुनरी यात्रा हम चालू करे हैं हमने, और लोगों का बड़ा उत्साह रहता है और सहयोग रहता है, और हमारे जिले के हर व्यक्ति की आस्था माँ ताप्ती में है। जीवनदायिनी माँ ताप्ती है और जिले की सुख शांति समृद्धि खुशहाली के लिए ये यात्रा हर साल निकाली जाती है। कितनी लंबी यात्रा होती है और कितनी लंबी चुनरी रहती है ये? एक हर साल 1 मीटर बढ़ाते हैं। इस साल 117 मीटर की चुनरी है और 23 से 24 किलोमीटर ये यात्रा रहती है। ताप्ती जी में जाके क्या होता है फिर? ताप्ती जी में जाके इस चुनरी को अर्पण किया जाता है। वहाँ पे पूजा अर्चना करते वहाँ पे आरती होगी, पूजा अर्चना होगी और ये चुनरी को हम वहाँ पे माँ ताप्ती को उड़ाएंगे। बताएं चुनरी यात्रा कब से निकल रही है, कब से आप शामिल हो रही हैं? 7 साल हो गए। ये चुनरी यात्रा है बैतूल के विधायक द्वारा निकाली जाती है और 7 साल हो गए हैं इस चुनरी यात्रा को। और इसमें हमारे माननीय विधायक श्री नीलय भैया डागा और श्रीमती दीपाली डागा द्वारा पैदल यात्रा की जाती है। 23 किलोमीटर की होती है ये चुनरी यात्रा और ये हमारे बैतूल ज़िले की खुशहाली के लिए, किसानों के लिए और यहाँ की जनता के लिए, उनके खुशहाल जीवन के लिए की जाती है। और लगातार 7 साल से ये पदयात्रा भैया करते आ रहे हैं और ये यहाँ पर उनके साथ भारी संख्या में बैतूल का जनता भी शामिल होती है और हम लोग भी उनके साथ जाते हैं इस चुनरी यात्रा में। डागा जी मतलब चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं माँ ताप्ती के लिए, उसमें हर साल हम शामिल होते हैं। जो माँ ताप्ती से प्रार्थना करते सभी किसान भाई कि ओलावृष्टि होती है, अति बारिश होती है, उससे सभी किसान भाइयों को शांति प्रदान मिले और अन्न धन धान्य से परिपूर्ण मतलब इस क्षेत्र को करे माँ ताप्ती। कितने किलोमीटर चलते हैं आप लोग यहाँ से कम ताप्ती करीबन? बता दें कि पुष्प वर्षा की गई चुनरी पदयात्रा में 27 भजन मंडल भी शामिल हुए। पदयात्रा में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। भजन कीर्तन के साथ ही आदिवासी समाज का पारंपरिक नृत्य भी करते हुए आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। पंजाब केसरी के लिए बैतूल से विनोद पतारिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।